हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पैकेट मिररिंग के बारे में। इसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके क्या क्या यूजर्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैकेट मिररिंग हम इसके लिए यूज़ करते हैं। आपको मान लीजिए आपका कोई वीएम है और आपको उसमें एनालाइज करना है कि इसमें क्या ट्रैफिक आ रहा है, तो आप पैकेट मिररिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका सोर्स है, सोर्स वीएम में आपका कोई सा भी वीएम हो सकता है, आपके वीपीसी नेटवर्क में, तो आप बोलते हैं कि मुझे इसका ट्रैफिक मिररिंग ऑन करनी है। तो इसमें क्या करेगा, जितना भी ट्रैफिक आएगा उस पर उसको क्लोन करेगा और एक दूसरे वीएम पे फॉरवर्ड कर देगा। जो दूसरा वीएम, उसको हम बोलते हैं कलेक्टर इंस्टेंसेस। वो एक बेसिकली एक इंस्टेंस ग्रुप रहता है बिहाइंड द लोड बैलेंसर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सोर्स वीएम है, ये उससे ट्रैफिक भेजेगा आपके लोड बैलेंसर को, और लोड बैलेंसर वो आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा आपके जितने भी इंस्टेंस ग्रुप में वीएम्स हैं। तो ये हमारा सारा जो भी जितना भी ट्रैफिक होता है उसको कैप्चर कर सकता है, वो पैकेट डाटा भी कैप्चर करता है, लाइक पेलोड्स, हेडर्स। एंड इसका यूज़ हम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सारा ट्रैफिक कैप्चर कर लिया है, अब उसको एनालाइज करना है, तो आप इसके लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से काफ़ी सारे, लाइक सिस्को है, पालो ऑल्टो है, काफ़ी सारे हैं। आप देख सकते हैं गूगल क्लाउड पर जाके कौन कौन से सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं, उसके थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हैं ट्रैफिक को, और पता कर सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ पैकेट ड्रॉप्स तो नहीं हो रहे, जो भी आप करना चाहें। और आईडीएस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अपने आपके परफॉर्मेंस इशू आ रहा है आपके एप्लीकेशन में, तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो जो पैकेट पेरिंग जो होता है वो कॉपी करता है जो भी ट्रैफिक आ रहा है हमारा मिरर सोर्स से। तो उसमें सोर्स आपका वीएम है, और सेंड कर देता है कलेक्टर डेस्टिनेशन पे। जो कलेक्टर डेस्टिनेशन है बेसिकली वो आपका एक वीएम ही रहता है, लेकिन वो लोड बैलेंस के पीछे रहता है। और जो मिरर वीएम्स होते हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो सबनेट के बेस पे, आपने बोला कि इस सबनेट में जितने भी वीएम हैं वो उन सबका ट्रैफिक क्लोन हो जाए, मिरर हो जाएगा। तो इसमें ऐसा रहता है, अगर आपके लिए मान लीजिए आपने कोई न्यू वीएम बनाया फ्यूचर में, तो वो वीएम का भी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली क्लोन होना शुरू हो जाएगा। आप नेटवर्क टैग्स यूज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इंस्टेंस का नेम ले सकते हैं कि आपको इस स्पेसिफिक इंस्टेंस को ही क्लोन करना है। और जो हमारा कलेक्टर की डेस्टिनेशन होती है, अब मैंने आपको जैसे बताया एक इंस्टेंस ग्रुप है जो कि हमारे हमेशा लोड बैलेंसर के पीछे ही रहती है, तो इसका आप यूज़ मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है आपका, कुछ पैकेट ड्रॉप्स हो रहे हैं, आप इसको मल्टीपल चीज़ कंबाइन कर सकते हैं, आपको लगता है कुछ थ्रेट्स हैं, एनोमलीज हैं, इसका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसमें पहले एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा सिंपल एक प्रोजेक्ट के अंदर ही बना रखा है, एक सिंगल प्रोजेक्ट का है। इसमें मान लीजिए ये मेरा वीएम है जिसको मैं मिरर करना चाहता हूँ, मुझे इसमें चेक करना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो मैं एक पॉलिसी बनाऊँगा, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो जितना भी जो भी इस पर ट्रैफिक आएगा इंटरनेट से, या मेरे ऑन प्रेम से, या गूगल सर्विसेज से, वो सारा मिरर होके इसमें चला जाएगा इंटरनल लोड बैलेंसर पर, और लोड बैलेंसर मेरे जो भी इंस्टेंस ग्रुप है उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें ऐसा होता है फिल्टर्स भी ला सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रैफिक ही कैप्चर करना है, लाइक आप चाहते हैं कि टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी हो, या आपको स्पेसिफिक रेंज से पता करना है, या आपको और आप अगर और उसको फिल्टर करना चाहें तो आप इंग्रेस ट्रैफिक को कर सकते हैं, इंग्रेस ट्रैफिक को कर सकते हैं। तो आप पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फिल्टर करने के लिए। अगर आप कोई फिल्टर चूज़ नहीं करते तो सारा ट्रैफिक, सारे प्रोटोकॉल्स, हर डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चूज हो जाती है। ये हमारा सबसे बेसिक रहता है। इसके बाद हम पे सेकेंड ऑप्शन होता है वीपीसी पेयरिंग का। तो आप मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, तो आप वीपीसी पेयरिंग भी आपने कर रखी है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं पैकेट मिररिंग का। तो इसमें क्या रहता है, आपकी जो पॉलिसी जो आप बनाएंगे वो हमेशा आपके दूसरे प्रोजेक्ट में बनती है। तो एक पॉलिसी तो मान लीजिए इस ये एक हमारा वीएम है प्रोजेक्ट ए में, ये तो बेसिक पिछला वाला ही सेम टू सेम सेटअप है, बस अपने यहाँ पे वीपीसी पेयरिंग ऐड करिए प्रोजेक्ट बी में। तो आपकी जो पॉलिसी बनेगी वो आपके प्रोजेक्ट बी में ही बनेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनेगी। अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, अगर वीपीसी पेयरिंग बना के यहाँ पे ट्राई करेंगे पॉलिसी बनाने का, तो ये एरर देगा कि ये दोनों ऐसे अलाउड नहीं है करके, तो आपको उसका खास ध्यान रखना है। और आप थर्ड ऑप्शन हम पे रहता है शेयर्ड वीपीसी का। अगर आपके पास आप शेयर्ड वीपीसी यूज़ कर रहे हैं, आपके होस्ट और सर्विस प्रोजेक्ट हैं, तो भी आप इसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपका जो भी ये कलेक्टर रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, आप उसको होस्ट प्रोजेक्ट में रख सकते हैं, आप सर्विस प्रोजेक्ट में रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी पॉलिसी उसी अकॉर्डिंग क्रिएट होती है। यहाँ पे मैंने होस्ट प्रोजेक्ट का एग्जांपल लिया है, आप सकते हैं मेरा यहाँ पे है लोड बैलेंसर और मेरे सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं ये दोनों, और यहाँ से इन दोनों वीएम का मिरर हो रहा है ट्रैफिक, और जो भी डेस्टिन और जा किस पे रहा है इस लोड बैलेंसर पे। तो
तो ये तो हमने सिंपल देख लिया, आइए इसको देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये हमारे पैकेट मिररिंग है। तो सबसे पहले आपको पैकेट मिररिंग क्रिएट करने से पहले आपको एक लोड बैलेंसर चाहिए। लोड बैलेंसर से पहले आपको उसके पीछे चाहिए एक इंस्टेंस ग्रुप। तो आप इंस्टेंस ग्रुप बना भी सकते हैं, मैंने ऑटोमेटिक पहले से ही बना रखा है। अगर आपको बनाना है तो आप मेरे वीडियोज़ भी हैं इंस्टेंस टेम्पलेट और इंस्टेंस ग्रुप बनाने के लिए। ये सिंपल सा मैंने एक इंस्टेंस ग्रुप बना रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं सब कुछ सिंपल ही है, मेरे E2 मशीन टाइप है। एंड मैंने अपना जो इंस्टेंस ग्रुप है वो सेकंड VPC में बनाया है। आप इसका अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई सी बूट डिस्क ले सकते हैं। और बाकी जो सॉरी ये इंस्टेंस टेम्पलेट है, बाकी इंस्टेंस ग्रुप में मैंने एक सिंगल VM ही चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना इंस्टेंस ग्रुप बना सकते हैं। और आपको याद रखना है कि जो भी आपकी पॉलिसी हो और जो आपका इंस्टेंस ग्रुप हो वो सेम रीजन में होना चाहिए। अगर अलग अलग रीजन में लेंगे तो काम नहीं करता है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये मेरा इंस्टेंस ग्रुप है, सब कुछ सिंपल से क्रिएट कर रखा है मैंने। तो आप सबसे पहले एक काम करते हैं, एक लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। तो आपको लोड बैलेंसर पे आना है, फिर क्रिएट करना है एक लोड बैलेंसर। इसमें हमें TCP UDP लोड बैलेंसर चाहिए होता है, तो आप इसमें स्टार्ट कॉन्फिग्रेशन पर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ट्रैफिक है बिटवीन द VMC है, इंटरनेट से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, हमारा सिंगल रीजन पे ही है और पास थ्रू है या प्रॉक्सी हम पास थ्रू रख रहे हैं। मैं इसके बारे में नई वीडियोस बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा मैं आपको लोड बैलेंसर में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप नाम दे सकते हैं, इसको देते हैं रीजन रखते हैं, मेरे जो VMs हैं और जो मेरा इंस्टेंस ग्रुप है वो एशिया साउथ वन में है, तो मैं वही रीजन लूँगा। आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी और जो भी आपके इंस्टेंस है सबका रीजन सेम होना चाहिए। मेरा सेकेंड VPC में है। इसके बाद बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, मेरा इंस्टेंस ग्रुप जो मेरा बना रखा है आपको दिखाया था वो चूज़ करते हैं, डन करते हैं। एल चेक आप बना सकते हैं, मैंने ऑटोमेटिकली पहले ही क्रिएट कर रखा है। एडवांस ऑप्शंस में जाके आपको कुछ देखना है तो आप कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है इसमें सेशन एफिनिटी को हमेशा नन रखना है, ये भी इसका एक पॉइंट है। इसके बाद हम फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इसमें आप सब नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका VPC में सब नेटवर्क हो उस स्पेसिफिक रीजन में जिसमें आपने VM चूज़ करा है वो, सॉरी लोड बैलेंसर बना रहे हैं। इसके बाद आप पोर्ट्स में देख सकते हैं आपको किस तरह का पोर्ट चाहिए, सिंगल मल्टीपल या ऑल। तो मैंने ऑल चूज़ कर लिया, ग्लोबल एक्सेस अगर आप इसमें, तो उसका इतना बेसिकली यूज़ है नहीं। फिर एडवांस में जाते हैं, तो आपको मेन ऑप्शन ये है, आपको इसको खास कर ऑन करना है। अगर आप इसको ऑन नहीं करते हैं तो आपका VM नहीं, आपका लोड बैलेंसर किसी काम का नहीं है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। इनेबल दिस लोड बैलेंसर फॉर पैकेट मिररिंग, डन करना है। रिव्यू एंड फाइनलाइज पर क्लिक कर क्रिएट करते हैं। अगर आपके हेल्थ चेक फेल्स हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक स्पेसिफिक रूल भी चाहिए होगा। ये आपको रूल बनाना है जो कि इंग्रेस रहे, और आपके इस क्योंकि ये जो हमारा गूगल रहता है वो इन दो स्पेसिफिक IP से आपके हेल्थ चेक को टेस्ट करता है। अगर आपका ये रूल नहीं होगा और Port 80 पे अगर ट्रैफिक नहीं पहुंच पाएगा तो आपको ड्रॉप कर देगा ट्रैफिक, और आपका हेल्थ चेक हमेशा फेल ही होते रहेंगे। तो आपको उस बात का खास ध्यान रखना है। तो मेरा LP बन चुका है, काम करते हैं। अब हम पैकेट मिररिंग में जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है। आप पॉलिसी नेम कुछ भी सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। इसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है, इसमें मेरा रहेगा एशिया साउथ वन। आप जो आपका जो भी रीजन मैं बना रहा हूँ आपको वो लेना है। इसके बाद पॉलिसी की प्रायोरिटी अभी के लिए 1000 ही रहती है, इसको चेंज नहीं कर सकते, मेरे फ्यूचर में वो कुछ ऐसे ऑप्शन आए कि आप इसको चूज़ कर सकें। इसके बाद आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ये चूज़ करना है VPC नेटवर्क। तो इसमें आपको दो ऑप्शन देता है कि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन सेम VPC नेटवर्क में है तो आप इसको हाँ कर तो चूज़ कर सकते हैं। अगर डिफरेंट में है, लाइक आपने VPC पेयरिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो मेरा सेम में ही है, तो मैं इसमें अपना सेकंड VPC चूज़ करता हूँ। इसके बाद आपको सोर्स सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा VM जो कि सोर्स बनेगा। तो आप चाहें तो इसमें सबनेट चूज़ कर सकते हैं ऐसे ऑप्शंस में जाके। उसके बाद आपके ऑप्शन है नेटवर्क टैग चूज़ कर सकते हैं आप, अगर आपको स्पेसिफिक नेटवर्क टैग है, या आप सीधा यहाँ पे क्लिक करें इंडिविजुअल इंस्टेंस में जाके। अगर आपको सिंपल एक VM उठाना है, तो मेरा ये टेस्टिंग VM है तो मैं इसको ले लेता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। आपके पास इसके बाद ये पूछेगा आपसे कलेक्टर की डेस्टिनेशन, जो कि कैलिफोर्निया इंटरनल लोड बैलेंसर रहेगा, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो मेरा ये है जो मैंने अभी बनाया है MyLP।
कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आप पे ऑप्शन है आपको मिरर ट्रैफिक को करना किस तरीके से, आपको फिल्टर करना है तो आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, लाइक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स लाइक ICMP TCP UDP अदर प्रोटोकॉल्स भी कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक IP रेंज से अलाउ करना है, आपको इंग्रेस ईग्रेस कुछ करना है, तो आप पे सारे ऑप्शंस हैं। मैं अभी के लिए मिरर ऑल ट्रैफिक करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ और ये अब क्रिएट होगा। अगर मेरी पॉलिसी बन चुकी है, माई फर्स्ट पॉलिसी अगर हम देखें इसके अंदर जाके, तो जो कि हमने चूज़ किया था वो सब दिखा रहा है हमें, और इसमें लिखा भी ऑल ऑल द ट्रैफिक विल बी मिरर्ड। तो एक काम करते हैं, मैं VMs में जाता हूँ, ये मेरा इंस्टेंस ग्रुप है, मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है और ये मेरा टेस्टिंग VM है, तो मैं इसका IP कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने इस VM में जाता हूँ। और मैं यहाँ पे इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक आपको कमांड रन करनी रहती है। सबसे पहले आप तो कमांड ये वाली कमांड रहती है इसमें, तो आपको TCP डम इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके में नहीं है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है TCP डम, आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने में भी। आपको इसकी कमांड गूगल पे मिल जाएगी, जो भी आपका अगर Debian Ubuntu Red Hat का कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग TCP डम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कमांड चलानी है sudo TCP डम -i ENS4, जो ENS4 है अगर आप IP एड्रेस टाइप करेंगे तो आपको शो कर देगा। आ देता हूँ, आपके इंटरफेस का नाम ही है तरीके से ही, तो आप सकते हैं जो आपके इंटरफेस का नाम है, मेरा इंटरफेस का नाम ENS4 है, आपका और कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका शो हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको होस्ट का नाम बताना है, तो इसमें होस्ट है मेरा ये वाला VM टेस्टिंग VM, इसका 1.3 है IP, और मैं इसको डालता हूँ और स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए अब इसने स्टार्ट कर दिया लिसनिंग करना, अभी तक इसे कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं अब जाता हूँ अपने इस VM पे जो कि मेरा टेस्टिंग VM है, और पिंग करता हूँ 8.8 को स्टार्ट करता हूँ। इसने पिंग करना शुरू कर दिया है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है क्या। इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, स्क्रीन को देख सकते हैं, हमें कुछ इको रिक्वेस्ट के ये सकते हैं यहाँ पे ये मिल भी रहे हैं, जो कि इको रिक्वेस्ट हो रही है ICMP इको रिक्वेस्ट, उसका रिप्लाई भी आ रहा है, तो इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि प्रॉपरली काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज करते हैं, कुछ और टेस्ट करते हैं। तो हम एडिट में जाएंगे जो कि, और यहाँ पे हमें सब कुछ दोबारा से कंटिन्यू करना होता है। तो इसके बाद हम मिरर में जाएंगे फिल्टर ट्रैफिक में। एक काम करते हैं, हम स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स में खाली ICMP लेते हैं और इस ऑल रेंजेस रहने देते हैं, और खाली करते हैं इंग्रेस ट्रैफिक को करते हैं अलाउ इंग्रेस ट्रैफिक ऑनली, और सबमिट कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या करा है कि हमारा जो भी ICMP पे जो भी ट्रैफिक होगा खाली ICMP का प्रोटोकॉल को ही कैप्चर करेगा, और उसकी डायरेक्शन भी खाली इंग्रेस होगी, जो इनकमिंग ट्रैफिक होगा खाली उसको ही कैप्चर करेगा, और पोर्ट खाली ICMP रहेगा, और IP रेंज कोई सी भी IP से आप इसको कर सकते हैं। देख सकते हैं ये आ भी गया है हमारा प्रोटोकॉल फिल्टर में, ICMP है, डायरेक्शन इंग्रेस ऑनली है। तो एक काम करता हूँ, ये मेरा टेस्टिंग का VM का IP है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने लैपटॉप से पिंग करने को ट्राई करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ इस IP को, तो ये पिंग हो रहा है। तो अगर हम अपने इसको चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कोई इसको आप देख सकते हैं, इसमें अभी भी हमें पिंग का एक्सेस, पिंग जो कर रहे थे हम 8.8.8 को, गूगल का DNS सर्वर है इसका, हमें भी अभी भी कुछ लॉक्स आ रहे हैं। इसलिए लॉक्स आ रहे हैं क्योंकि ये सकते हैं इको रिप्लाई है, रिप्लाई में क्या होता है इनकमिंग ट्रैफिक, जब आप किसी को पिंग करते हैं तो आपको रिप्लाई भेजता है, तो रिप्लाई वो एक तरह का इनकमिंग ट्रैफिक होता है, इसलिए स्पेसिफिक हमें इको रिप्लाई आ रहे हैं, बट यहाँ से ईग्रेस का नहीं आ रहा, जो हम भेज रहे हैं वो शो नहीं कर रहा, खाली रिप्लाई शो कर रहा है। तो इसको हम एक बार रोक देते हैं, और मैं अपने मैंने यहाँ से पिंग करना शुरू कर दिया है अपने सिस्टम से। आप देख सकते हैं स्पेसिफिक IP से ट्रैफिक आना शुरू हो गया है जो मैं पिंग कर रहा हूँ। अगर मैं इस IP को कॉपी भी करूँ, तो अगर हम जाएं गूगल पे और चेक करें मेरा IP क्या है, ये IP शो कर रहा है 124.2.141, और अगर हम यहाँ पे जाएं तो देखते हैं सेम IP आ रहा है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि हमारी पॉलिसी प्रॉपर काम कर रही है। तो इसको आप रोक देते हैं, अब हम एक दूसरा कुछ और ट्राई करते हैं।
तो हमने अपना जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था उसको सक्सेसफुली ट्राई कर लिया है। अब एक सेकंड करते हैं, इसमें हमारा वीपीसी पियरिंग है, आप देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और सेकंड प्रोजेक्ट है आपस में पियर्ड है, देख सकते हैं एक्टिव भी है। उसमें मेरा एक स्पेसिफिक वीएम भी बना रखा है मैंने इस प्रोजेक्ट में, सेकंड प्रोजेक्ट में। तो पॉलिसी क्रिएट करते हैं दोबारा से, उसका नाम देते हैं रीजन सेम ही रहेगा एशिया साउथ वन, इसे कंटिन्यू करते हैं। आपको वीपीसी का नेटवर्क चूज़ करना है, तो ये फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा कि आपका मिरर सोर्स एंड कलेक्टर डेस्टिनेशन आर सेम, नहीं वो सेम नेट वीपीसी नेटवर्क में नहीं है, डिफरेंट में है, तो आपको यार ऑप्शन चूज़ करना है। आपको सोर्स का सोर्स वीपीसी सुनना है, तो मेरा सोर्स में डिफ़ॉल्ट वीपीसी है और कलेक्टर डेस्टिनेशन है मेरा सेकंड वीपीसी, इसको चूज़ कर लिया है हमने। सकते हैं अगर हम इसमें वापस भी जाएँ तो दिखा भी रहे कि सेकेंड प्रोजेक्ट टू फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरे वीपीसी पे रहेंगे उसका नाम भी दिखा रहा है। इसे कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद आप पे मिरर सोर्स का ऑप्शन है, फिर से हम इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट में जाते हैं और मेरा सेकंड भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डेस्टिनेशन में आपका एल भी आ जाएगा और ट्रैफिक में हम ऑल सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। तो मेरी सेकंड पॉलिसी भी क्रिएट हो चुकी है, आप सकते हैं ऑल द ट्रैफिक विल बी मिरर्ड वाला है। तो इस सेकंड प्रोजेक्ट में भी मेरा एक वीएम है, तो हम इस वीएम के आईपी को कॉपी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं वीपीसी पीयरिंग यूज़ हो रही है अभी, और मैं इसमें जाता हूँ वापस से अपने इंस्टेंस ग्रुप में और सेम कमांड चलाता हूँ, बट इस बार हम वीएम का आईपी चेंज करके ये रख देते हैं 162.0 ये वाला। और मैं इस अपने वीएम में लॉगिन कर लिया है, सेकंड वीएम में हम पिंग करते हैं .8.8 को, देख सकते हैं ICMP इको रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं, रिक्वेस्ट भी आनी शुरू हो गई है और DNS गूगल के DNS पे ट्रैफिक भेज रहा है। तो हमारा सेकंड वाला भी हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है कि वीपीसी पीयरिंग में प्रॉपर काम करता है। एक लास्ट पॉलिसी बनाते हैं एक और हम दोबारा, ये इस बार हम बनाएंगे शेयर्ड वीपीसी के लिए। तो ये मेरा शेयर्ड वीपीसी है फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है, आप सकते हैं मैं आपको शो करता हूँ कि मैंने इसमें शेयर्ड वीपीसी भी कर रखा है। जो इसमें मेरा अटैच प्रोजेक्ट है वो थर्ड प्रोजेक्ट है, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड प्रोजेक्ट मेरे आपस में अटैच्ड हैं एज अ वीपीसी पियरिंग। तो हम एक काम करते हैं, नई पॉलिसी बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं शेयर्ड पॉलिसी करके, रीजन हमारा इसे साउथ वन रहेगा, कंटिन्यू करते हैं। वीपीसी नेटवर्क हमारा सेम ही है क्योंकि जो हमारा सोर्स और कलेक्टर में है सेम है, क्योंकि सेम अगर आप शेयर्ड वीपीसी आपको पता ही होगा, तो अगर नहीं पता आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो मेरा जो सेकेंड वी पी सी है उसी में मैंने शेयर्ड सर्विस प्रोजेक्ट में अपना वी एम को क्रिएट किया है, इसको कंटिन्यू करते हैं, आप इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शो तो नहीं करेगा लेकिन आपको ऊपर सर्विस प्रोजेक्ट जरूर शो कर रहा होगा। इसमें आपको अपना सर्विस प्रोजेक्ट चूज़ करना है जो कि मेरा थर्ड प्रोजेक्ट, इसे ओके करेंगे। इसे ओके करते देखिए थर्ड वी एम ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है जो कि मेरा थर्ड प्रोजेक्ट में है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डेस्टिनेशन सिंपल है मेरा, एल बी फॉरवर्डिंग रूल एक लगा हुआ है, ऑल ट्रैफिक को सबमिट करते हैं। थर्ड पॉलिसी भी क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं जो कि मैंने शेयर्ड पॉलिसी के नाम से बनाई थी। और मेरा ये थर्ड प्रोजेक्ट में मेरा ये थर्ड वी एम है, इसका आईपी कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो मेरा जो फर्स्ट वी एम है, अगर मैं प्रोजेक्ट वन में जाऊँ तो देख सकते हैं ये दोनों आईपी रेंज, देख सकते हैं ये सब सेम आईपी रेंज के हैं क्योंकि मैं शेयर्ड वीपीसी यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं आपको इसमें और दिखा देता हूँ, आपको एक थर्ड वी एम के अंदर भी जाते हैं अगर हम, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं जो नेटवर्क है वो मेरा सेकंड वीपीसी से है जो कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट में है, और प्रोजेक्ट का नाम भी दे रखा है उसने कहाँ से आ रहा है, देख सकते हैं इससे कंफर्म होता है कि ये थर्ड वीपीसी है। इसमें मैंने लॉगिन कर लिया है, तो एक काम करते हैं फिर से इस प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसका आईपी है 1.7, तो इसमें दोबारा से ट्रैफिक को ऑन करते हैं। तो अब पिंग करते हैं .8.8 को, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये इको रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं, ये भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं, देख सकते हैं शेयर्ड वीपीसी भी, और यहाँ पे हमारा थर्ड प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं प्रॉपर काम कर रहा है। तो इससे हमने ये सारे एग्जांपल्स अपने चेक कर लिए हैं किस तरह से प्रॉपर काम करते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी इशू या कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने की। थैंक यू।